अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी फराज, अच्छा स्टूडेंट्स, बाकी लोग किधर हैं? सिर्फ और सिर्फ 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी तक आए हैं क्लास में, बाकियों को इन्फॉर्म नहीं किया हुआ क्या? आप लोगों को ईमेल और एसएमएस मिल गए थे? ठीक है, सही है। हाँ तो फिर बाकी हमको भी जो है वो ईमेल और एसएमएस मिल गए होंगे। अच्छा, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो इसलिए मैं जो है वो आप लोगों के कुछ क्वेश्चन जो है वो दरमियान में पूछता रहूंगा मैं रैंडमली, जो स्टूडेंट्स पूछते हैं क्लास में, वीडियो कैमरा ऑन करेंगे और फिर उसके बाद आंसर देंगे। ये तो पता चले कि जहाँ वो कौन जो स्टूडेंट है, कौन कौन है मौजूद है। अच्छा, ये कोर्स जो है ये बेस कर रहा है राउटिंग एंड स्विचिंग पे। हमारा जो कोर्स का नेम है इंटरनेट एंड इंट्रानेट आर्किटेक्चर, जिसमें दो पार्ट हैं। एक जो डिवाइस हम डिस्कस करेंगे वो है राउटर और दूसरी डिवाइस है स्विच, तो इसी पे बेस करती है। जैसे हम कहते हैं इंटरनेट, तो इंटरनेट का मतलब यही है कि आउटसाइड द नेटवर्क में जाने के लिए ऐसी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जो कि कम अज कम थर्ड लेयर पे काम करती हो। थर्ड लेयर कौन सी? फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर। डिवाइस हमें यूज करनी पड़ेगी, तो या तो राउटर हो सकता है या फिर थर्ड लेयर स्विच हो सकता है, तो दोनों में से कोई एक डिवाइस हो सकती है।
इसलिए इसको जो है वो राउटिंग भी कहते हैं या फिर इंटरनेट भी कहते हैं। और दूसरा जो पार्ट है एंड इंट्रानेट आर्किटेक्चर, तो इंट्रानेट का मतलब यह है कि विद इन अ नेटवर्क, जब हम विद इन अ नेटवर्क जब कम्युनिकेशन करना चाह रहे होते हैं तो फिर हमें वो डिवाइसेज यूज करनी पड़ती हैं जो कि इंटरनेट में यूज हो रही होती है, इंटरनेट डिवाइसेज की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो फिर जो है वो थर्ड लेयर से नीचे वाली लेयर्स पे जो काम कर रही होंगी डिवाइसेज उसको इस्तेमाल करना होगा। तो आपने डेटा कम्युनिकेशन में बहुत सारी डिवाइसेस पढ़ी होंगी, रिपीटर को भी पढ़ा होगा आपने, हब को भी पढ़ा होगा आपने, ब्रिज को भी पढ़ा होगा आपने, स्विच को भी पढ़ा होगा। तो अभी लेटेस्ट जो है वो हम सिर्फ स्विचेस ही यूज कर रहे हैं, तो इसलिए जो है वो इस इंट्रानेट इन्वायरमेंट में हम स्विचेस यूज कर रहे हैं। तो कैसे हम उसको यूज करेंगे, कैसे उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये इस कोर्स के अंदर जो है वो डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। इसलिए इसके दोनों नाम हो सकते हैं राउटिंग एंड स्विचिंग या फिर इंटरनेट एंड इंट्रानेट आर्किटेक्चर, दोनों में से कोई भी जो है वो नाम इसको दिया जा सकता है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के जिसके अच्छे होंगे जिसके स्ट्रांग होंगे वही इस कोर्स को जो है अच्छी तरह से ग्रिप कर सकता होगा। और जो जिन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में वीक हैं वो यहाँ पर ज्यादा हाईलाइट हो जाएंगे, ज्यादा मैग्निफाई हो जाएंगे वो कॉन्सेप्ट्स। तो इसलिए अगर आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है पिछले डेटा कम्युनिकेशन के पार्ट के तो उसको जो है दोबारा रिव्यू कर लें ताकि आपको जो है वो इस कोर्स को समझने में आसानी हो। मेरा नाम तो आप लोगों को सबको मालूम ही होगा क्योंकि कल मैंने मैसेज तो किया ही है और शेड्यूल में भी मेरा नाम मौजूद है उसमें। अगर एक्सपीरियंस देखें तो मेरी जो फर्स्ट मास्टर था अप्लाइड फिजिक्स रांची यूनिवर्सिटी से, उसके बाद फिर मैंने जो है वो नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन में मेरा जो है वो हल्के दें। तो मेरा जो नेटवर्किंग का डेटा कम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस है वो तो कराची यूनिवर्सिटी का भी है और साथ में ग्रेजुएट डिग्री एम फिल किया, तो उसमें मेरी एक्सपर्टीज जो है वो उसमें नेटवर्क एंड टेली कम्युनिकेशन में थी। एक्सपीरियंस 2001 से मैं कीट में मौजूद हूँ और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर डीएलडी कंप्यूटर आर्किटेक्चर होल डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग इंटरनेट आर्किटेक्चर के अलावा एडवांस कोर्सेज भी इससे आते हैं, एडवांस डेटाकॉम भी आता है, फिर उसके बाद जो है वो और जो है वो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मैंने यहाँ पर पढ़ाए हुए हैं। अब तो हम एमएस टेली कम्युनिकेशन नहीं करवा रहे लेकिन उसमें जो है वो काफ़ी एडवांस कोर्सेज होते थे एमएस में, तो उन कोर्सेज को भी मैंने जो है वो पढ़ाया हुआ है। इस वक्त जो है वो आपको सबको मालूम ही होगा कि जो है वो एचओटी हूँ, जो जितने भी एकेडमिक इश्यूज हैं जो स्टूडेंट्स से रिलेटेड हैं वो मैं यूनिवर्सिटी में डील कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर आप लोगों को कोर्स के रजिस्ट्रेशन के हवाले से, जिनके कोर्स लोड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, 5 कोर्सेज नहीं ले पाए हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं जिन कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हैं, वो कोर्सेज आप ना मुझे भेजें जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। जी हाँ, आप लोगों को जो कोर्सेज पीछे पढ़े हुए होते हैं अगर उसके कॉन्सेप्ट अगर आपको याद नहीं है या आपने सही से समझे नहीं थे तो उसको रिवाइज तो करना ही होता है ना। जैसे आपकी डिग्री जब कंप्लीट हो जाएगी तो एक कॉम्प्रीहेंसिव एग्जाम होता है, तो कॉम्प्रीहेंसिव एग्जाम होने का मतलब यह है कि आपके तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट जो बीएस कंप्यूटर साइंस में आपने पढ़े हैं वो दोबारा रिवाइज हो जाएंगे आपके। तो जब एग्जाम पास करेगा तो वो जो रिवाइज करके आएगा या जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे वही उसको पास कर सकता है, क्योंकि जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री में जाके आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने जो है वो
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था, अब तो उसके कॉन्सेप्ट याद भी नहीं है मुझे। तो कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता तो फिर आप यहाँ करने क्या है। तो जिस फील्ड में आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं उस फील्ड के एरिए के जो है वो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होंगे तो आप जो है उसमें कामयाब हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने डेटा कम्युनिकेशन उससे पढ़ी है, नाम से मुझे नजर आ रहा है, और कुछ ऐसे भी हैं जिन लोगों ने डेटा कॉम किसी और से पढ़ी है। तो दोनों से गुजारिश है कि आप लोग जो है वो सबसे पहले वो ऐसा ही TCP/IP मॉडल को जो है वो आप अंडरस्टैंड करके आए। उसके बाद जो हमने टॉपिक पढ़ा था नेटवर्किंग इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस, वो वाला टॉपिक चैप्टर जो है वो पूरा समझ के आए। और तीसरा जो है वो IP version 4 जो हमने पढ़ा था, जिसमें हमने जो है वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट को भी देखा था। IP version 4 की क्लासेस कैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, ये कॉन्सेप्ट है। ये तीन कॉन्सेप्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को लाजमी अंडरस्टैंड करते हैं। ये वीडियो जो है, ये जो लेक्चर चल रहा है ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो रिकॉर्ड होने के बाद मैं जो है वो LMS पर ये लेक्चर अपलोड कर दूंगा। तो जो बातें आपको मिस हो जाती हैं वो वहां से जो है वो पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि मैंने क्या कहा था, कौन कौन से टॉपिक आपको बताया। ये कोर्स आउटलाइन आपको नजर आ रही है सामने, इस कोर्स आउटलाइन में इंट्रोडक्शन है जो डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, Chapter 1। आपको जो बुक परचेज करनी है या फिर आप सॉफ्ट कॉपी ले लें, जैसे आपकी मर्जी है। क्योंकि जब क्लास में मैं होता हूँ तो उस वक्त तो मैं तमाम से जो है वो उसकी पर्सनल कॉपी जो है वो परचेज करवाता हूँ और देखता भी हूँ, चेक भी करता हूँ कि किसके पास बुक है किसके पास नहीं है। अब क्योंकि फिलहाल ऑनलाइन चल रहा है तो इसलिए जो है वो आपकी मर्जी है, आप टेक्स्ट बुक ले लें, हार्ड कॉपी ले लें या फिर सॉफ्ट कॉपी ले लें। राउटिंग TCP/IP की बुक है, ऑथर जो है वो जेफ ट्वेल है, सिस्को प्रेस की बुक है। ये बुक जो है वो आपको लेनी होगी जो कि पैरेलल आपको पढ़नी होगी। जो स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा वो इस कोर्स में जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और उसका कोर्स फेल हो जाएगा। देखें जी, क्लास में क्वेश्चन करने का तरीकाकार या तो आप टेक्स्ट कर दें तो जब मैं जो है वो जवाब मुनासिब होगा देना मैं उस वक्त जवाब दे दूंगा, या फिर आप जो है वो हैंड रेस करें अपना और फिर उसके बाद जो है वो आप सवाल करें, मेरी बात को बीच में ना काटें। पूछें क्या पूछ रहे हैं आप? कौन सवाल पूछना चाह रहा था पूछे ना। ये ऑनलाइन क्लासेस पूरा सेशन ही रहेंगे?
लेकिन ये 15 सितंबर तक तो जो है वो ऑनलाइन है। अगर गवर्नमेंट का डिसीजन जो है वो आ जाता है कि 15 सितंबर को आप यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, एचईसी हमें अलाउ करती है, तो फिर हम 15 सितंबर के बाद से जो है वो क्लासेस ऑनलाइन लेके जाएंगे। उसमें भी जो है वो सारी की सारी क्लासेस तो वो अलाउ नहीं कर रही है। एचईसी ने पहले ही बता दिया है अगर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन कंटिन्यू रखती है कि 15 सितंबर से यूनिवर्सिटी खुल रही है, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि आपकी 50 to 60% क्लासेस आप यूनिवर्सिटी में कराएंगे एसओपी के तहत, बाकी 40% क्लासेस जो है वो आपको ऑनलाइन ही रखनी है अभी इस सेमेस्टर फॉल सेमेस्टर। तो हो सकता है कि आपने अगर 5 courses लिए हुए हैं तो 5 में से 3 courses जो है वो आपके यूनिवर्सिटी में फिजिकली होंगी 15 सितंबर के बाद, और बाकी जो है वो 2 classes आपकी ऑनलाइन ही चलती हैं। ऐसा भी ठीक है, बात समझ में आ रही है? लेकिन जिन लोगों ने FIP इस सेमेस्टर में लिया है तो उनकी क्लासेस आज से मंडे से सिटी कैंपस में शुरू हो रही है क्लासेस। तो नबील अली ने जो है वो शेड्यूल स्टूडेंट्स को दे दिया होगा कि 50% स्टूडेंट्स हैं वो एक मंडे को आएंगे और 50% स्टूडेंट दूसरे मंडे को जाएंगे। जैसे जो है वो फर्स्ट वीक है तो ऑड वीक में जो है वो एक ग्रुप जा रहा होगा और इवन वीक में सेकेंड ग्रुप जो है वो सिटी कैंपस में जा रहा होगा अपने FIP के लिए, क्योंकि हर 15 दिन के बाद उनकी मीटिंग होगी। अच्छा, इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऊपर देख लें, क्विजेस असाइनमेंट, इसमें से 10% लैब वर्क जो है वो रिमूव हो जाएगा और ये 10% जो है वो मिड टर्म और फाइनल में इंक्लूड हो जाएगा। तो 5 marks जो है मिड टर्म में आ जाएंगे, 5 marks जो है फाइनल एग्जाम में आ जाएंगे। तो मिड टर्म 25 marks का हो जाएगा, फाइनल एग्जाम जो है वो 35 marks का हो जाएगा। प्रोजेक्ट 20 marks का ही रहेगा, असाइनमेंट क्वेश्चन 10 marks की होगा। अभी जो मैंने पिछले सेमेस्टर में कोर्स पढ़ाया था डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क का, तो अगर आपके कोई जानने वाले स्टूडेंट्स हों तो उनसे रिजल्ट पूछ लीजिएगा, जिन लोगों ने चीटिंग की थी, जिन लोगों ने कॉपी किया था, चाहे वो असाइनमेंट हो, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो मिडटर्म हो, चाहे वो फाइनल हो, सब में उनके मार्क्स डिडक्ट हुए। और वो लोग जो ज्यादा मार्क्स ले गए हैं जिन लोगों ने तकरीबन जो है वो कुछ अपने तौर पे लिखा, 100% तो नहीं लिख पाए लेकिन जो है वो बेहतर कुछ लिख दिया, तो उनको उनके ज्यादा मार्क्स आ गए क्योंकि उन्होंने अपने तौर पे खुद लिखा। तो इसलिए मैं सेमेस्टर के शुरू में ही आपको बता रहा हूं कि अगर आपका आंसर कहीं से मैच करता हुआ, किसी और स्टूडेंट की कॉपी से मैच करता हुआ होगा, या किसी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किया होगा, या बुक से आपने कॉपी पेस्ट किया होगा, तो ये तीनों में आपको 0 marks मिलेंगे। स्प्रिंग में, स्प्रिंग 20 सेमेस्टर में थोड़ी सी लीनियंसी दिखाई गई थी, ये फर्स्ट टाइम था, लेकिन समर में सबको बता दिया गया था, स्प्रिंग सेमेस्टर लोग पढ़ चुके थे ऑनलाइन, तो समर के अंदर जो है वो सबको शुरू में भी बता दिया था और पुराना एक्सपीरियंस भी बता दिया। उसके बावजूद जिन लोगों ने चीटिंग की उनके मार्क्स जो है बहुत ही कम आए हैं, हो सकता है जस्ट फेल आए हों, जस्ट सी ग्रेड हो या फिर जो है वो फेल हो। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप जो है वो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, या किसी भी जगह से आप पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, आप वेबसाइट से पढ़ रहे हैं, अपने दोस्त के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो हर तरह से आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने हैं और अपनी
हिसाब से जो है वो आपको आंसर लिखना है। कॉपी पेस्ट होगा तो फिर नंबर जीरो, जिस जिसके जो है वो कॉपी हो रहा होगा वो जीरो नंबर। एक प्रोजेक्ट इसमें होगा, वो प्रोजेक्ट जो है वो आपने पैकेट ट्रेसर एक सिमुलेटर यूज किया होगा डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, उसी सिमुलेटर के ऊपर आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है। एक प्रपोजल आपको डिजाइन करना होगा जिसमें 15 राउटर्स होंगे, एटलीस्ट 15 राउटर्स, और कुछ स्विचेस होंगे यहाँ पर जरूरत होगी, उसके मुताबिक आपको टोपोलॉजी बनानी होगी। टोपोलॉजी बना के उसके अंदर आपको राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको मेंशन करने होंगे, और फिर बाद में जो है वो एट द एंड उसको कॉन्फ़िगर करके प्रेजेंट करना होगा। ये सारा काम जो है वो पैकेट ट्रेसर सिम्युलेटर पे होगा, इसमें फिजिकली जो है वो कुछ भी नहीं होना। जो टास्क हैं वो टास्क जो है वो पूरे 4 महीने के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, एक साथ में प्रोजेक्ट नहीं देखता, कम से कम 4 मीटिंग होंगी प्रोजेक्ट के हवाले से। जो टास्क हैं वो डेडलाइन दी गई होगी, उसी डेडलाइन पे सबमिट कराना होगा, बाद में दिखाने वाले को मार्क्स नहीं मिलेंगे। जिस तरह से आपने पता नहीं DLD में टीचर ने आपके साथ जो है वो इसी तरह से मल्टीपल मीटिंग की थी कि नहीं, डिजिटल लॉजिक डिजाइन में सबसे पहले आपने प्रपोजल देना था, उसमें उसके बाद आपको जो है वो ब्लॉक डायग्राम सबमिट करनी थी, उसके नेक्स्ट स्टेप पे आपको जो है वो सर्किट डायग्राम सबमिट करनी थी, और उसके बाद आपको हार्डवेयर सबमिट करना था। तो ये डेडलाइन जो है वो अलग अलग दी जाती है। अगर ये 4 मीटिंग है तो हर महीने के एंड पर जो है वो एक एक मीटिंग होती रहेगी, और वो जो टास्क आपका ड्यू है वो आपको सबमिट करना, उसका वाइवा होगा। एक ग्रुप में 3 मेंबर्स होंगे, ना तो 2 मेंबर होंगे ना ही 4 मेंबर होंगे, फिक्स्ड है कि 3 मेंबर्स उसमें होंगे। उसी 3 मेंबर के हिसाब से मैंने 15 राउटर्स आपको कहा है, कम से कम 15 राउटर्स होंगे, आपकी मर्जी है 15 की बजाय जो है 25 राउटर लगा लें, आपकी मर्जी है 25 की जगह 50 राउटर लगा लें, काम बढ़ता जाएगा, काम एक्सटेंड होता जाएगा जैसे जैसे आप राउटर्स इंक्रीज करते रहेंगे। मार्क्स 20 ही मिलेंगे, चाहे वो 50 राउटर पे कन्फिगर किया हो चाहे वो 15 राउटर्स पे कन्फिगर किया हो, मार्क्स 20 ही मिलेंगे, ज्यादा नंबर नहीं मिल सकता। टोपोलॉजी बनाना आपकी मर्जी है, एक्सेप्ट मैं करूंगा टोपोलॉजी। इस कोर्स में सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन है डेटा कम्युनिकेशन का, वो आपको खुद समझना है। दूसरा पार्ट जो है वो IP एड्रेसिंग का है, TCP/IP प्रोटोकॉल को रिव्यू किया हुआ है, लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें IP एड्रेसेस का ही है कि सबनेटिंग कैसे करते हैं, फिक्स लेंथ सबनेटिंग कैसे होती है, वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग कैसे होती है। अच्छा, मीटिंग 10 मिनट बाद जो है वो बंद एंड हो जाएगी, मैं दोबारा रिकनेक्ट करूंगा, दोबारा आपने जो है वो रिज्वाइन करना है, 10 मिनट बाद मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा, तो फिक्स लेंथ वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग कैसे होगी, और फिर जो है वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में तो वो देखेंगे। उसके बाद जो है वो हमने जब हम डेटा कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था राउटिंग टेक्निक को, तो राउटिंग टेक्निक के टॉपिक के अंदर हमने जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिफाइन किए थे, नंबर 1 स्टैटिक राउटिंग, नंबर 2 डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग के कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, डिटेल से डिस्कस नहीं किया था उसको, तो यहाँ पर हम जो है वो स्टैटिक राउटिंग को डिस्कस करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर उसको हम ये भी डिस्कस करेंगे कि राउटर्स पर जो है वो स्टैटिक राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर की जाती है और राउटर कैसे वर्क करता है स्टैटिक राउटिंग के बेस पर।
उसके बाद जो है वो डायनेमिक राउटिंग को डिस्कस किया था, तो यहाँ पर हम डायनेमिक राउटिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। और डायनेमिक राउटिंग में बताया था दो टाइप्स होती है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और दूसरा लिंक स्टेट राउटिंग। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का मतलब हमने डिस्कस किया था वहां पर, और लिंक स्टेट राउटिंग के कॉन्सेप्ट को भी हमने वहां पर डिस्कस किया था। जब उसकी बारी आएगी तो हम तो दोबारा जो है वो उसको डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या फर्क है, कौन सी टोपोलॉजी किधर जो है वो कॉन्फ़िगर की जाती है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, लिप प्रोटोकॉल राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो इसको जो है वो इस कोर्स के अंदर, इस बुक के अंदर, फिर जो है वो आगे डायनेमिक राउटिंग को एक्सप्लेन करने के बाद कुछ चैप्टर जो है वो डिस्टेंस वेक्टर के हैं और कुछ चैप्टर जो है लिंक स्टेट राउटिंग के हैं। तो वो फिर हम जो है वो उस वक्त डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर जो है वो डिस्टेंस वेक्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे रिप, IGRP, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, उसके बाद रिप वर्जन 2, वो जो कॉन्सेप्ट था वो रिप वर्जन 1 था, फिर उसके बाद रिप 2 को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है फिर जब हम IGRP को डिस्कस करेंगे तो IGRP के साथ जो है वो हमें डिस्कस करना होगा EIGRP को भी, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ हमें एक्सटेंडेड इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल भी हमें करना होगा, वो IGRP का इनहेंस वर्जन। उसके बाद जो प्रोटोकॉल है वो है OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये हमारे कोर्स का जो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल आखिरी होगा। उसके बाद जो है वो जब हम बात करते हैं टोपोलॉजी की, तो इंटरनेट के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ एरिया में मुख्तलिफ राउटिंग प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं, तो कहीं पर स्टेटिक चल रहा होगा, कहीं पर डायनेमिक चल रहा होगा, कहीं पर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा होगा, कहीं पर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे हैं। तो इनको दोनों को, इनको सबको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें फिर स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जब हम जो है वो स्टेटिक से डायनेमिक पे जाएंगे या डायनेमिक से स्टेटिक पे जाएंगे, सेंडर स्टेटिक पे और रिसीवर जो इस वक्त मौजूद है वो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के एनवायरमेंट में बैठा हुआ, तो फिर आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। इसका काम ट्रांसलेशन होता है, एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल में ट्रांसलेट करके देना, स्टैटिक से डायनेमिक, डिस्टेंस से लिंक स्टेट, रिप 1 से रिप 2 या रिप 2 से OSPF में या OSPF से IGRP में या IGRP से EIGRP। तो इस तरह से ट्रांसलेशन जब हमें करनी होगी तो हमें उन एनवायरमेंट में रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। उसके बाद जो है फिर स्विचिंग का एनवायरनमेंट स्टार्ट हो जाएगा, लैंड डिजाइन है, कॉन्फ़िगर अ स्विच, कैसे हम स्विच को कॉन्फ़िगर करेंगे, ये वाले कॉन्सेप्ट जो है फिर हम एंड में हम देख रहे होंगे। प्रोजेक्ट के हवाले से, प्रोजेक्ट में जो है वो आपको रिपोर्ट भी सबमिट करानी है। जिस वक्त आप प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देंगे उस वक्त आपके पास रिपोर्ट भी होगी, जो पूरी जो है वो डॉक्यूमेंट आपका बना हुआ होगा, उसमें पूरी टोपोलॉजी होगी, उसमें आपने किस किस राउटर पे क्या कॉन्फ़िगरेशन की है वो होगी, किस किस स्विच पे क्या कॉन्फ़िगरेशन की है वो, तो पूरी डिटेल रिपोर्ट जो है वो आपको सबमिट करानी होगी। साथ हर मीटिंग के मार्क्स रखे हुए हैं, कहीं पर 1 नंबर है, कहीं पर 2 है, कहीं पर 3 मार्क्स है। फिर प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स हैं, वाइवा के भी मार्क्स हैं और रिपोर्ट के भी मार्क्स हैं। तो इन सबको जब कंबाइन करेंगे तो फिर 20 मार्क्स बनेंगे। देखिए अभी तक जो हमारी मीटिंग हुई है उस मीटिंग के अंदर अभी तक ये डिस्कस हुआ है कि मिड टर्म हम इन कैंपस देंगे, ऑनलाइन नहीं होगा मिड टर्म, अभी तक डिसाइड ये किया।
मिड टर्म हमारा जो है वो कैंपस के अंदर होगा, तमाम स्टूडेंट जो हैं वो मेन कैंपस के अगर हैं तो मेन कैंपस में एग्जाम देंगे, और उस वक्त तक जो है वो इंशाल्लाह हमारी जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होंगी। और अगर HEC अलाउ नहीं करती है, वो कहते हैं आप ऑनलाइन ही क्लासेस देंगे, तो फिर एग्जाम भी जो है वो ऑनलाइन ही होगा। लेकिन अभी तक डिसीजन ये है कि मिड टर्म और फाइनल एग्जाम दोनों के दोनों और कैंपस के अंदर ही होंगे। यहां तक कुछ पूछना है आप लोगों ने तो पूछ सकते हैं, कोई सवाल है तो पूछें। किसी भी किस्म की कोर्स के हवाले से कोई कंफ्यूजन है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, कोर्स आउटलाइन के हवाले से, न्यूमेरिकल बेस नहीं है ये, ये जो है वो कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है, कोडिंग बेस्ड है। इसमें जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, या फिर जो है वो आप इसको कोड की बात कर लेंगे, कोड लिखना पड़ेगा, तो इसमें जो है वो तकरीबन 60% जो है वो आपको कोड लिखना पड़ेगा। इसमें राउटर पर जो है वो कॉन्फ़िगर करते हुए हमें क्या क्या कोड लिखना है, स्विचेस पर हमें क्या कोड लिखना है, ये सारा कोड बेस्ड है। तो हम क्लास में कोड को डिस्कस भी करेंगे और लैब में भी जो है वो जो आपके लैब इंजीनियर है अली बाबर, वो भी आपको कोड करवा रहा होगा हर लैब में, उसी को कॉन्फ़िगर करना होगा, आपकी प्रैक्टिस करवा रहा होगा। थ्योरी तो है ना भाई, इसमें थ्योरी के बगैर ये कोर्स कैसे पढ़ा जा सकता है। हम जब डिस्कस करेंगे स्टैटिक राउटिंग, तो स्टैटिक राउटिंग की थ्योरी तो हमें पढ़नी होगी ना, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने होंगे, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन की बात। जब हम डायनेमिक राउटिंग को स्टडी कर रहे होंगे तो डायनेमिक राउटिंग की थ्योरी स्टडी करेंगे कि डायनेमिक राउटिंग क्या है, कहाँ पर कन्फिगर की जा रही होगी, किस एनवायरमेंट में डायनेमिक राउटिंग कन्फिगर होता है, उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। थ्योरी काफी है, तभी तो कह रहा हूं कि 60-40% जो है वो अगर मैं रेशो लगाऊं आपके एग्जाम के हवाले से, तो मैं 40% थ्योरी पूछूंगा, 60% जो है वो कोडिंग होगी आपकी। मोहम्मद वासिक, आप लोगों